अपनी नाफरमानियों के चलते मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सरकार विदा हो गई। इसके बावजूद कांग्रेस विधायक सुनील उइके सरयाम एक तहसीलदार को धमकाते नजर आए। विधायक उइके ने कहा, हमारी सरकार आई तो तहसीलदार से बाबू बना दूंगा। जुन्नारदेव से कांग्रेस विधायक सुनील उइके ने तहसीलदार को सरयाम धमकी दी है कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी होते ही वे तहसीलदार को बाबू बना देंगे। विधायक उइके का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अन्न महोत्सव में तहसीलदार विधायक को बुलाना भूल गए थे। इस बात से विधायक उइके नाराज थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा ने भी विधायक की धमकी की आलोचना की है। पहले आप ये वीडियो देखिए। समय आएगा 10 महीने 12 महीने बाद अगर परिस्थिति बदलेगी तो 62 साल की उम्र में नौकरी करना है, बुलवा की नौकरी कराऊंगा, बाबू बना के रखूंगा। बताते हैं विधायक उइके के एक समर्थक ने ही इस वीडियो को वायरल किया है, जिसमें कांग्रेस विधायक ने तहसीलदार मनोज चौरसिया को सत्ता में आने पर तहसीलदार से हटवाकर एक बाबू बनाकर रखने की धमकी दी है। अब भाजपा ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक बहुत पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई बल नहीं गया। सरकार चली गई पर घमंड नहीं गया। ये सुनील उइके यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, इसी बड़बोलेपन के कारण और कमलनाथ जी के बड़बोलेपन के कारण इनकी सरकार चली गई। और जिस तरह 1.5 साल में इन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में अधिकारियों को प्रताड़ित किया, ये सोच रहे आज भी हम प्रताड़ित कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता शासन के साथ खड़े हुए हैं और मैंने अपने कुछ अधिकारियों को, संगठन के लोगों को भी इस मामले का अवगत करा दिया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।